Hello. So we are dealing the questions of Indus Valley Civilization from ancient history, or especially from the state PSC examinations like UP PCS, MP PCS, Bihar PCS, Rajasthan PCS, etc. Okay, and we are also dealing the question of last 30 year. This is about myself. So let's see today's questions. Okay, which one of the following sites have yielded evidence of double burial? Kuntasi, Dholavira, Lothal, Kalibangan. So देखिए, अब इसका थोड़ा सा आंसर उतना इसका श्योर नहीं है. ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और उसके हिसाब से यू कैन आंसर. ओके, सो द एविडेंस ऑफ ट्रिपल बरियर हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम लोथल. ओके, अभी तक इसमें डबल बरियर बोल रहा है, लोथल में ट्रिपल बरियर था. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ हड़प्पन कल्चर. इट्स टाउन प्लानिंग वॉज डिफरेंट दैट ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. द सिटी वॉज डिवाइडेड इन टू सिक्स सेक्शन. ईच सेक्शंस वॉज बिल्ड ऑन द वाइट प्लेटफॉर्म ऑफ बैक्ड ब्रिक एंड ईच प्लेटफॉर्म सेपरेटेड बाई अ रॉड रोड सॉरी 12 to 20 फिट. द एविडेंस ऑफ डबल बरियर हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम कालीबंगन. ओके, इफ वी फॉलो द नंबर ऑफ बरियल्स. ओके, सो डबल बरियल हैव बिन फाउंड इन कालीबंगन. सो आई मीन एज पर द एक्सप्लेनेशन यू कैन गो विद द डी. ओके, बट लोथल में ट्रिपल बरियर भी है, तो अब ऐसा नहीं है कि ट्रिपल है तो डबल नहीं हो सकता. दैट्स वाई दिस कन्फ्यूजन अराइजेज. सो बट एज पर द एक्सप्लेनेशन आंसर इज डी. नेक्स्ट, रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सुनौली वॉज वॉट वॉज फाउंड. अब देखिए ये रिसेंट बोल रहा है, अब आई थिंक देखते हैं कौन से एग्जाम में आया होगा, किस ईयर में आया है. ह्यूमन बरियल, एनिमल बरियल्स, रेजिडेंशियल बरियल, प्रोटेक्टिंग वॉल. अब देखिए ये 2004 में है, 2004 का क्वेश्चन है, तो 2004 में ऐसा हुआ होगा. ठीक है, सो दैट वाज एक्चुअली ह्यूमन बरियल. सो द आंसर इज ए. सोनौली इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन बरौद तहसील, बागपत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, वेयर 125 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड. दीज ग्रेव्स ओरिएंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड मोस्ट आर आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी ह्यूमन बरियल. सम ऑफ द बरियल्स आर फाउंड विद द एनिमल बोन्स एंड गोल्ड कॉपर एंड बैंगल्स. सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट, फॉर क्लॉथिंग कॉटन सिविलाइजेशन सॉरी कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया. तो जो हमारा कॉटन कल्टिवेशन है, इसके एविडेंस मतलब ये एंशियंट टाइम में इंडिया में ही हुआ था. ओके, सो कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लॉथिंग इन 1922. राखल दास बनर्जी टुक इंटरेस्ट इन द साइट ऑफ मोहनजोदारो फॉर एक्सकेवेशन. एविडेंस ऑफ अर्ली कॉटन कल्टिवेशन वॉज फाउंड बाई एक्सकेवेशन इन इंडिया. फ्रॉम इंडिया इट रीच ग्रीस वेर इट वॉज कॉल्ड अ हिंडन. द कॉटन कल्टिवेशन इन इंडिया इज स्टार्टेड इन 3000 BC वाइल इट वॉज कल्टिवेटेड इन इजिप्ट इन 2500 BC. ठीक है, तो इंडिया में 3000 BC में ही स्टार्ट हो गया था, बट इजिप्ट में ये स्टार्ट हुआ था 2500 BC में. फिर से देखिए करेक्ट इसमें बताना है हमको. रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट वॉज प्रीडोमिनेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट थ्रू प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर
फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। अब देखिए, ये पहला जो स्टेटमेंट है, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन, रिलीजियस एलिमेंट थ्रू प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। यस, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि ऐसा चीज़ है। ओके, जो भी एक्सकेवेशन हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, तो जो स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। ठीक है, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये इंडिया में स्टार्ट हो चुका था, इवन इंडस वैली के टाइम में ही था। सो द आंसर इज सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड नो ट्रेस ऑफ थियोक्रेटिक ऑर्गेनाइज रिलीजन। कॉटन टेक्सटाइल वॉज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड एज सोन बाय द आर्टिफैक्ट एविडेंस। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। दे पोजेस्ड ग्रेट प्लेसेज एंड टेम्पल्स, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, दे एम्प्लॉयड हॉर्स डाउन चैरिट इन वेलफेयर। ओके, देखिए इसमें जो ये है, दे पोजेस्ड ग्रेट प्लेस एंड टेम्पल्स, ऐसा कुछ टेम्पल्स के एविडेंस नहीं है, तो ये गलत है। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटी, ये चीज़ करेक्ट है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि सील में है ना, उनके मतलब मेल जो भी जिसको भी वो वर्शिप करते होंगे, मेल डाइटी है और एंड फीमेल गॉडेस भी, यू नो, उसके भी एक्सकेवेशन में मिले एविडेंस मिले हुए, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट दे एम्प्लॉयड इन हॉर्स टाउन चैरिट इन वेलफेयर, नहीं, ये चीज़ ये भी गलत है, ऐसा कुछ है, कुछ बोल नहीं सकते ऐसा इंडस वैली से, तो ये दोनों गलत है, ये करेक्ट है। आंसर इज बी, नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप has been found in excavation from Indus Valley civilization till date. The only religious source from this civilization is a statue made of mud and stone and the seal which were found here. By this it is known that female deity Shiva or Pasupati and animal like snake, elephant were worshipped. Of plant and tree or inanimate stone or other subject in the form of linga or yoni symbol were famous during that period. Okay, so the answer is B. One of the following site from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found: Harappa, Chanudaro, लोथल, मोहनजोदड़ो। देखिए, जो फेमस बुल सील इंडस वैली वो जो फाउंड हुआ था वो मोहनजोदड़ो में फाउंड हुआ था। ओके, मोहनजोदड़ो इज एन आर्कोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध पाकिस्तान, एक्सकेवेटेड बाय आर डी बनर्जी इन 1922। फ्रॉम दिस साइट वेरियस स्कल्पचर, सील, पोटरी, गोल्ड एंड ज्वेलरी have been found, but most famous among them were hammed bull seal. So the answer is D. Which one of the following animal is not depicted on the Harappan seal? Bull, elephant, horse, seal. So देखिए, horse नहीं इनके seal में देखा गया है, bull, elephant, sheep, ये सब तो दिखे हैं। ठीक है, so people of Harappan civilization were known to horses, but no piece of evidence have been found on seal. ठीक है, उनको horses के बारे में पता था, but उसको seal को देख के हम नहीं बोल सकते कि उनको पता था। a great majority of seal, क्योंकि यहाँ पे seal की बात कर रहे हैं, general की बात नहीं कर रहे, overall की बात नहीं कर रहे।
फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैरी शॉर्ट इंक्रिप्शन विद पिक्चर ऑफ 100 बुल। देखिए जब एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो उसमें जो फिगर्स थी उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कई बार वहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें क्या दिख रहा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी का ही सील से ही है, ठीक है। तो जो टेक्स्ट होता है उसमें एनीवे एक्सप्लेन किया होता है, बट पिक्चर्स और नो लेक्चर्स वीडियो जो होते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें जो भी फिगर्स होंगे उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या उसमें हो रहा है, तो उसके उसके थ्रू ही आप काफ़ी चीज़ें याद कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन द बफेलो टाइगर द राइनोज द गोट एंड द एलिफेंट। हॉर्सेस के एविडेंस नहीं है इन द सी, बट ऐसा नहीं कि इसके वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उन्हें हॉर्स के बारे में नहीं पता था। ओके, नेक्स्ट। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लायन, हॉर्स, काउ, एलिफेंट। अगेन विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द, अब देखिए लायन के बारे में नहीं पता था उन्हें, ठीक है। अब वो जिस भी पार्ट पे रहते होंगे वहाँ पे लायन हो सकता नहीं होते हों, अदर पार्ट में होते हों, तो इस वजह से उस लोकेशन में उस जगह पे जब एक्सकेवेशन हुआ तो नहीं उसके कोई साक्ष्य मिले कि देर इज़ अ लायन, दे वर नोइंग अबाउट लायंस। सो दैट्स द आंसर इज एमंग गिवन ऑप्शन द एविडेंस ऑफ काउ एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड and there is some dispute regarding the horse, but the latest excavation have revealed the evidence of horse. ठीक है, the evidence of lion from excavation of Harappan city, Harappan civilization has not been mentioned anywhere. ठीक है, so the answer is A. According to the report of IIT Kharagpur, the study group continues low rainfall. Low rainfall of how many years was caused the fall of Indus Valley civilization? 600 years, 700 years, 800 years, 900 years? Okay, none of the above or more of the above. तो देखिए एक report है IIT Kharagpur का, वहाँ पे study group उन्होंने बोला था कि देर वॉज लो रेन फॉर मीन कुछ उन्होंने ईयर मैंसन किया फॉर दिस मच ईयर कॉज द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो ईयर पूछ रहा है कौन हाउ मेनी ईयर्स। ओके, सो दिस वॉज एक्चुअली 900 ईयर्स, आंसर इज डी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT Kharagpur द कंटिन्यूस लो एंड निग्लिजिबल रेनफॉल फॉर 900 ईयर वॉज कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट कंटिन्यूस ड्रॉट फॉर 900 ईयर्स लेड टू द फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि मतलब ये रिपोर्ट ये बोलता है कि 900 ईयर्स तक ना पानी बहुत कम बरसता था और पूरा ड्रॉट का सिचुएशन था। ओके, सो पानी कम होने की वजह से धीरे 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 जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट, a horn deity engraved on terracotta cake have been recovered from Banavali, Kalimangal, Lothal, Surputara. Horn deity. Okay, so ये जो है कालीबंगन में मिला है। From excavation at Kalimangal, a series of fire altars on mud brick प्लेटफॉर्म वर डिस्कवर्ड और ट्रायंगुलर टेराकोटा केक फाउंड एट कालीबंगन हैज अ कार्विंग ऑफ हॉर्न डाइटी ऑन वन साइड एंड एन एनिमल गोट बीइंग ट्रैक्ड बाय अ रोप ऑफ ह्यूमन ऑन अदर। दिस शोज द वे ऑफ इमर्जेंस ऑफ सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन इन द एंटायर एरा, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे स्लॉटरिंग शुरू हुई थी, मतलब भगवान के सामने उनको मतलब काटना, एनिमल्स को काटना, ये चीज़ इसका एविडेंस यहाँ से मिलता है। सो द आंसर इज
बी काली गंगा। विच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश ऑन बैंक ऑफ रिवर नाइल? ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि रिवर नाइल कहाँ पे है। ओके, वो अफ्रीकन कंट्री में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। रोमन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो ओके, तो रिवर नाइल के बैंक पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुआ था। ओके, एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नाइल फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स। नाइल रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। द नाइल इज द मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, जनरली रिगार्डिंग एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसको लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट आर द कंटेम्प्री सिविलाइजेशन। ओके, वॉट आर द करेक्ट नॉर्थ साउथ सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सिविलाइजेशन? माया, एजटेक, म्यूसिका, इनका मतलब नॉर्थ टू साउथ से, मतलब नॉर्थ में कौन है साउथ में कौन है, इस तरीके से हमें बताना है। दीज आर द फोर ऑप्शंस। ठीक है, तब वो तो मैप बेस है कौन सा कहाँ पे, तो आपको आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें डी वाला सही होगा, एजटेक, माया। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ यहाँ पर हो गया, साउथ यहाँ पर हो गया। अब मैप में देखो ऊपर से नीचे कौन है, म्यूज़ का इनका। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पे है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज एडजेक, माया, म्यूजकस, म्यूजक, इनका। द एडजेक और ओरिजिनेटेड एज अ नोमेडिक ट्राइब इन द नॉर्थ मैक्सिको, नॉर्दर्न मैक्सिको। माया सिविलाइजेशन सेंट्रल अराउंड ट्रॉपिकल लो लैंड ऑफ प्रेजेंट गुटेमाला। ठीक है, द म्यूजका सिविलाइजेशन फ्लरिस्ट इन एंशियंट कोलम्बिया, वेयर एज इनका सिविलाइजेशन अरोज फ्रॉम हाई लैंड ऑफ पेरू। ठीक है, तो इनका जो है वो पेरू का है। तो इस तरीके से आप ऊपर से नीचे है ना, आप इसको मैच करा सकते हो। अब ये दिस यू हैव टू रीड, ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन लैंड विद डी। द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इज सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम वॉज इन इंडस, इजिप्ट, सुमेरियन, चाइना। तो देखिए इसमें जो द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन टू डेवलप आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, ये सुमेरियन थे। ठीक है, हमें लगेगा कि ये ना चाइना में पेपर का शुरुआत बनाने का हो गया था, बट लिखने का जो सही जो तरीका था वो सुमेरियन ने बताया था। ओके, सो पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम। देयर प्राइमरी स्क्रिप्ट वॉज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव। ओके, सुमेरियन इज जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग। ठीक है, सो द आंसर इज सी।